नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजु सिंह और मैं हूं आदित्य कुमार। बिल्कुल, तो एक बात आपको बताऊं, यदि आपके शरीर में अचानक कपकपी, अक्सर सिरदर्द, सुनने या बोलने में परेशानी होने लगे, आपका जी मिचलाने लगे या फिर आंखों के आगे अंधेरा छाने जैसी बात हो, शरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ने जैसे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके मस्तिष्क की। शोध में पता चलता है कि मस्तिष्क कई बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे सिरदर्द, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी, ब्रेन अटैक, लकवा और दौरे। लेकिन लाइफस्टाइल में प्रभावित करने वाली इन समस्याओं को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या होता है जब दिमाग के नसों में हो जाती है खराबी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 8 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 10% आबादी न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी ना किसी रोग से पीड़ित है। आदित्य, बता दें कि दुनिया भर में हर 6 सेकेंड में किसी न किसी को ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक होता है। कुछ लोग इसके लक्षणों को नहीं पहचान पाते और जब स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है तभी अस्पताल पहुंचते हैं। आमतौर पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए आज हम बहुत विस्तार से यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होता है ब्रेन अटैक और क्या इसे रोका जा सकता है। आइए नज़र डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है ब्रेन ट्यूमर, लक्षण, कारण और उपचार। यदि आपके भी किसी अपने को इस तरह की कोई समस्या है या फिर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई ख़ास लक्षण देख रहे हैं या फिर लकवे के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आपके लिए उपलब्ध हैं अगले 1 घंटे तक। नंबर नोट कर ले, 1800-113-060। दूसरा नंबर है 1800-113-061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ब्रेन अटैक की पहचान कैसे करें, इस बीमारी का खतरा किन्हें हो सकता है, ऐसी बहुत सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ देश के 2 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हाँ, आप हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा। आप एक सीनियर और जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइट साइंसेस के निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर धमीजा। बिल्कुल, डॉक्टर धमीजा भी बताएंगे कि इस तरीके से ये समस्या आप पर हावी हो सकती है, लेकिन आपको सही समय पर डॉक्टर के पास जाना है, अपना इलाज करवाना है। दूसरे जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आपको बता दें कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर MV पद्म श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि आपको बता दें कि दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की HOD हैं। इनसे भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे, जो हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। छोटे छोटे संकेतों को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं और ये समस्या जब विकराल रूप ले लेती है तब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, इसीलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है, और अगले 1 घंटे तक हम दर्शकों के सवाल लेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि दर्शकों को जागरूक करें, अपनी सेहत के प्रति वो और सचेत रहें। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क और ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। हार्ट अटैक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोग ज्यादा सचेत नहीं रहते। बता दें, कभी उम्र दराज लोगों की बीमारी समझे जाने वाले ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में अब युवा भी आ रहे हैं। जाहिर है, गलत लाइफस्टाइल। ये है हमारे शरीर का पावर हाउस यानी हमारा मस्तिष्क। गौरतलब है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता और उसके सोचने की शक्ति उसके दिमाग पर ही निर्भर करती है। यह दिमाग हमारे शरीर के लिए ठीक वैसा ही काम करता है जैसा कि किसी कंप्यूटर के लिए उसका CPU। मस्तिष्क में जितने विद्युत संदेश एक दिन में पैदा होते हैं उतने दुनिया भर के टेलीफोन भी नहीं कर सकते।
बात चाहे ऑफिस में काम करने की हो या खेत खलियानों में रोपाई और बुआई की, ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क के जरिए ही होती है। लेकिन आज के भागम भाग जिंदगी में लोग मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना जैसे लक्षण तो आम हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या लकवा हो सकता है। इसका असर मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। गौरतलब है कि दिमाग की कोई नस जब अचानक ब्लॉक हो जाए या फट जाए तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ये बहुत इमरजेंसी की स्थिति होती है। मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हृदय से होते हुए पूरे शरीर में रक्त के जरिए संचालित होती है। जब भी इनमें से कोई रक्तवाहिका क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाती है या फिर इनमें खून का थक्का जम जाता है, तब उसके बाद रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता तो लकवा हो सकता है, उसके बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि जानकारी न होने के कारण मरीज की जान तक जा सकती है। हालांकि ब्रेन अटैक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ब्रेन अटैक हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से होता है। इस रोग में कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते हैं। स्ट्रोक के लगभग 87% मामलों में खून के थक्का की समस्या देखने को मिलती है। दूसरे तरह के स्ट्रोक में मस्तिष्क की नसें फट जाती है, इससे उसके कुछ हिस्सों में अनियंत्रित रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक सुन्नपन, अचानक से बोलने या समझने में दिक्कत, अचानक से साफ देखने में तकलीफ, चलने या बैलेंस करने में परेशानी, चक्कर आना और अचानक से बिना किसी कारण तेज सिर दर्द ब्रेन अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है तनाव मुक्त रहना, जीवन शैली को संतुलित रखना और नियमित व्यायाम और योग करना। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो वाकई में एक ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी हुई रिपोर्ट देखी आपने कि किस तरीके से जीवन शैली के प्रति आप जागरूक रह सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी कहा कि अक्सर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक या दिमाग का भी कोई अटैक हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना चर्चा होती है और ना जागरूकता है। और कई बार जब मरीज इससे पीड़ित भी होता है तब तक उसे नहीं समझ आता कि दरअसल उसके साथ हुआ क्या है। इसको हम किस तरीके से समझें? ये बहुत अहम विषय है और मैं डीडी किसान को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ब्रेन हेल्थ पे ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हमें इस समय देश में अपनी जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही के दिनों में तकरीबन 2 हफ्ते पहले WHO की जनरल असेंबली ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, ब्रेन हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है और उसमें भारत ने भी समर्थन किया है। तो मैं भी मानता हूँ कि आज की तारीख में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन हेल्थ पर चर्चा की जाए और आपके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि ब्रेन हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आवश्यक है बाकी बीमारियों से भी ज़्यादा, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक जो है जीवन की जो है खतरा बढ़ सकता है और ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है। नाउ आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने ब्रेन स्ट्रोक की बात की, तो ब्रेन स्ट्रोक मुख्यतः जो है ब्रेन अटैक जिसको हम बोलते हैं, हार्ट अटैक से अलग है। बहुत लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। ब्रेन की जो हमारी धमनियां हैं जो रक्त लेके जाती हैं हमारे हृदय से, अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए या रप्चर हो जाए तब ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन ये बहुत सडन होता है, बहुत एकदम अचानक होता है और जैसे हमने देखा रिपोर्ट में कि एक साइड पे वीकनेस हो सकती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है या बोलने समझने में दिक्कत हो सकती है,
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, या बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम देखना बंद हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को हमें वार्निंग साइंस से हिसाब से देखना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में अगर किसी को ऐसी तकलीफ अचानक से होती है तो उसको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी बड़े अस्पताल में लेकर जाना चाहिए जहाँ इसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। और आपको पता है कि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में सभी जगह आजकल ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। टाइमली पहुँचना बहुत ज़रूरी है, टाइम इज एसेंस। पहले 3 से 4.5 घंटे के अंदर जो है इसका इलाज हो सकता है, और अगर हम टाइम से हॉस्पिटल में पहुँचें तो इसका इलाज पूर्णतः हो सकता है। और प्रिवेंशन भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे साथ डॉक्टर पद्मा हैं जो बहुत इसमें एक्सपर्ट्स मानी जाती हैं विश्व में, तो वो बताएंगे हमें इसके बारे में। लेकिन ब्रेन अटैक का समझना, वार्निंग साइंस पता होना और टाइम का एसेंस जो है पता होना, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा गया है और ये बात बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल मैं डॉक्टर पद्मा से पूछना चाहूँगा। मैम, आप हमें ये बताएं कि अक्सर हमारे ओल्ड अवस्था में, बुढ़ापे में, हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, तो ये सब भी क्या ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है? जैसे प्रोफेसर धमीजा ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि अचानक जो चीज़ें धीरे 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 हो रहा है। हम 70 से 80 साल हो गए, 80 से 85 ईयर्स हो गए, हमारा याददाश्त धीरे धीरे कम हो रहा है। नो, दैट इज़ नॉट अ ब्रेन स्ट्रोक। परंतु जो ब्रेन स्ट्रोक की मतलब तो यही है ना कि खून की रफ्तार जो ब्रेन को, जो दिमाग को पहुंचना है, वो एकदम से बंद हो गया और वो हिस्सा हमारा ब्रेन डैमेज हो गया तो वो फंक्शन एकदम से ख़त्म हो गई हमारी। तो जो डॉक्टर धमीजा ने इससे बहुत अच्छे से बताया कि टाइम इज़ ब्रेन, तो एकदम से हमारा हाथ पैर गिर जाएगा, मुँह टेढ़ा हो जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो बंद हो जाएगी या उठपटान बोलने लगेंगे, आँख की रोशनी एकदम से ख़त्म हो गई, एकदम से एक फंक्शन, ज़रूरी जो फंक्शन हमारा है वो ख़त्म हो गए जी। बट अगर खून की रफ्तार धीरे 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 कम होता है, बहुत सारे एक के बाद ये ब्रेन अटैक्स होती गई, ऐसे मामलों में जैसे बुजुर्ग लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये उम्र के साथ एक रिस्क फैक्टर तो है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यंग स्ट्रोक्स में भी हो रहा है, कम उम्र में भी ये ब्रेन अटैक्स हो रहा है, वो बहुत गंभीर स्थिति है। परंतु जैसे एज एडवांस होता है, ये वास्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो कहते हैं कि इसके जरिए भी हमारे याददाश्त और हमारे जो हायर फंक्शंस, हमारे जजमेंट है, हम जैसे पहले थे ऐसे नहीं रहते हैं, तो ये होता है। तो पर आपको ये देखना होगा कि हर व्यक्ति, अगर उम्र बढ़ती है तो ये नहीं सोचना कि उनको याददाश्त चले जाएगी, उनकी जो सुनना वगैरह सब खत्म हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है, अगर हम पहले ही सावधान रहे तो उम्र एक नंबर होगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगी और आप अच्छी तरह फंक्शनल इंडिपेंडेंस रह सकते हैं और किसी के ऊपर आधारित की जरूरत नहीं होगा, पर वो सावधानी पहले से रहनी होगी। क्या बढ़ती उम्र एक रिस्क फैक्टर मान सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज रिस्क फैक्टर्स हम अगर देखें, एक होता है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम दोबारा हम तो यंग नहीं हो सकते, जवान नहीं हो सकता, ऐसे कोई दवाई तो हुआ नहीं, पर जो चीज़ें जो उसके अलावा कुछ जेंडर का है, कुछ रेस है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे जो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हमारे हाथ में है और बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स है, एक तो जो ब्लड प्रेशर है, ओके, जो हाइपरटेंशन जो कहते हैं, इनफैक्ट मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो यही कहती हूँ कि नंबर वन रिस्क फैक्टर क्या है, ब्लड प्रेशर, नंबर टू रिस्क फैक्टर क्या है, ब्लड प्रेशर। तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लकवा होना, दोबारा होना, किस तरह के लकवा होना, जैसे डॉक्टर धमीजा ने बताया कि खून की नली फटी तो ब्लीडिंग हुआ, खून की नली बंद हुई तो ये इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और जो उसके बाद कैसे उनकी आउटकम होगा, तो ब्लड प्रेशर इज वन, नंबर टू इज डायबिटीज, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारा हार्ट की प्रॉब्लम, दिल और दिमाग बहुत नज़दीक है, और जो लाइफस्टाइल। बिल्कुल, तो एक कॉलर है, और जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया लाइफस्टाइल के बारे में, स्मोकिंग, तो उसके ये जो कुछ गलत आदतें भी होती हैं जिनका कोई लाभ नहीं है, सीधा बस आप अपने शरीर को जला रहे हैं, तो उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन एक कॉलर है, देवेंद्र सिंह है, जिन्होंने हमें राजस्थान से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है।
हेलो देवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं सर जी। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है? हमारे दोनों कंधों में दर्द होता है और लेफ्ट हाथ की हथेली में और पैर के पंजा सुन्न होता है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी, एज कितनी है? उम्र 44 साल है। 44 साल, और ये कब सबसे ये समस्या आपको कब से हो रही है? ये समस्या 2 साल से है, 6 महीने से हमने जयपुर भावना शर्मा का ट्रीटमेंट लिया। तो इनको कोई क्या शुगर की बीमारी? आपको इसके अलावा कोई समस्या है, दिल की कोई समस्या या फिर शुगर है या फिर कोई और कोई इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है डॉक्टर पद्मा, जैसे कि ये बता रहे हैं सुन्न पड़ रहे हैं इनके और दर्द भी है कंधे में, उसके बारे में भी बताया, तो क्या इसे हम किसी भी तरह से ब्रेन के फंक्शन से जोड़कर देख सकते हैं या फिर ये मसल पेन से जुड़ा या फिर कुछ और हो सकता है? जैसे सुनने में तो स्केलेटो मसलर लगता है, पर ये कह रहे कि एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो जयपुर का न्यूरोलॉजिस्ट है, तो हो सकता है कि नस के प्रॉब्लम भी हो। परंतु अगर जोड़ में दर्द और सुनपन हो रहा है तो पहले हम देखते हैं कि स्पाइन के लेवल में, ओके, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्क है, कोई कुछ तरह के स्पॉन्डिलोसिस वगैरह है, कोई नसों में दबाव पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि लोकल चीज़ें, लोकल की वो जो होता है ना कि स्केलेटो मस्कुलर जो आप कहते हैं कि ये मसल है उसका है। दूसरी और तीसरा चीज़ हो गई नसों की, स्पेसिफिक नस की प्रॉब्लम होता है वो, इट कुड बी सम काइंड ऑफ अ न्यूरोपैथी, तो एक बार देखना पड़ेगा। और ये आई थिंक सही जगह पे इलाज भी इनकी हो रही है, बड़ी अस्पताल है, तो वहाँ पे अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसे पता चल जाएगा कि नस का है, मांसपेश का ये है या रीढ़ के हड्डी के उसकी प्रॉब्लम है, पता चलेगा और उसकी इलाज जरूर हो सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि सबसे अच्छी बात ये है कि आप डॉक्टर के पास हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो आगे आप डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, आपके टेस्ट हुए होंगे उससे पता चल जाएगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिएगा क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं इसी पर अब बात करना चाहूँगी डॉक्टर धमेजा, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आजकल हमारा जीवन है आप स्ट्रेस से बच नहीं पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस कितना बड़ा एक फैक्टर हो सकता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, या फिर हम जो ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या इसका किसी तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है और हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। आपकी अपनी लाइफस्टाइल कैसी है, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रोक की और स्ट्रेस की, और ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल के ऊपर आधारित हैं, और जितनी ही लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से बढ़ती हैं डेफिनेटली, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता हो, तो ये सब चीज़ों का असर पड़ता है। अगर आप लंबे समय पर स्ट्रेस रखेंगे किसी वजह से, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, या आपके अपने जो है सरकमस्टांसिस की वजह से हो, तो लंबी स्ट्रेस डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे असर करती है और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर स्पेसिफिकली और विशेष अगर हम स्ट्रोक की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो स्ट्रोक में देखा ये गया है कि भारत में जो स्ट्रोक की जो हम नंबर्स की बात करते हैं तो वो बढ़ रहा है, जबकि दूसरे देशों में खासकर यूरोप में और डेवलप्ड कंट्रीज में स्ट्रोक से मोर्टेलिटी कम हुई है, स्ट्रोक की जो प्रेवलेंस जो है या स्ट्रोक का जो होना जो है वो भी कम हो रहा है, शायद वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारे देश में अभी भी शुगर, जब हम कहते हैं डायबिटिक कैपिटल है, या 15-20% लोगों में ब्लड प्रेशर है जिनको पता ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं हमारी पॉपुलेशन में, हमारी आबादी जिसकी लॉन्जिविटी बढ़ रही है। आपको याद होगा हमारी 1970s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 50 से भी कम थी, 47-50 थी, और आज 70-72 साल के आसपास है। तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और एज जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया कि एक जोखिम कारक है, रिस्क फैक्टर है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। जैसे आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि प्रतिदिन आप कम से कम 30 मिनट्स जो है ब्रिस्क वॉक करें या एरोबिक एक्सरसाइज करें या 10,000 स्टेप्स करें,
फला आहार लें, फ्रूट्स और सैलेड्स की 5 सर्विंग्स लें, नमक थोड़ा कम करें। लाभ ये देखा गया कि अगर नमक की अगर मात्रा आधी कर दें तो रिस्क बहुत कम हो जाता है स्ट्रोक का खासकर। सो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये नमक और शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं जबकि विश्व के दूसरे हिस्सों में ये नंबर्स घट रहे हैं। ठीक है, दीनानाथ जी एक कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी, नमस्कार दीनानाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम जी, नमस्कार। दीनानाथ जी, पहले हम आपसे यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आपने टेलीविजन की आवाज़ नहीं बंद की है तो कृपया उसे म्यूट कर दें ताकि हम आपके सवाल को ठीक से सुन सकें, क्योंकि आप अगर आवाज़ नहीं कम करेंगे तो असुविधा होती है, सवाल भी सुनने में देरी होती है और आपका सवाल भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे आप। हेलो जी, बताएं क्या सवाल जी? हाँ जी बताइए। जैसे हमारा मस्तिष्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी आदत की कमी हो जाता है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि क्यों मैं रूम में आया, क्या ले जाना है, क्या करना है, कहीं जाना रहता है मैं निकल जाता हूँ, आता ही नहीं आता, इसलिए मैं बाहर आया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है दीनानाथ जी? उम्र कितनी है और ये समस्या कब से हो रही है आपको? हमको एक्सीडेंट हुआ, मेरा प्रश्न नहीं हुआ, तो वहाँ पर 4 माले से मैं नीचे गिर गया था जिससे हमारा ज्यादा थोड़ा मुझे। दीनानाथ जी आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? 46 है। और आपको कोई और समस्या है इसके अलावा, हार्ट की, डायबिटीज या कोई और भी समस्या है जो आप बता रहे हैं भूलने की भी शिकायत है? आज जिला अस्पताल पर मैं गया था तो वहाँ पर हमारा इलाज हो रहा है, ठीक है, दुर्घटना का शिकार। ठीक है दीनानाथ जी, हम समझ गए आपका सवाल, दुर्घटना का शिकार हो गए थे, ऊंचाई से गिर गए थे जिसके बाद से इन्हें इस तरह की समस्या आ रही है, क्या बताना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल सही सवाल है, पर ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दीनानाथ जी कि आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपकी उम्र 46 है और आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बताते हैं कि आपके मस्तिष्क काम कर रही है। और अभी आप हमारा सवाल आप सवाल कर रहे हैं, वो जवाब सुन रहे हैं, आप टीवी को ऑन करके ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यही आप सोच लीजिएगा कि आपकी मस्तिष्क ठीक है। जो मस्तिष्क से ये डिमेंशिया या जो याददाश्त खो बैठ के ये प्रॉब्लम वाले ये सब नहीं कर पाते, परंतु ये मैं बताती हूँ कि आप एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। कुछ छोटे छोटे ये जो इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, जैसे थायराइड का है, कुछ विटामिन की कमी हो, तो वो अगर पकड़ में आ गया बहुत छोटी छोटी गोलियों से भी आपका कुछ अच्छा हो सकता है, तो चिंता मत करिए, जरूर आप जाइएगा। बिल्कुल, एक अभी आई वांट टू ऐड अ लिटिल बिट, बिल्कुल मैम बताएं, जो यू नो डॉक्टर धमीजा ने अभी बता दिया था, पर मैं अपने किसान भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि उनका तो फिजिकल एक्टिविटी तो बनी रहती है, कई कई यू नो माइल्स किलोमीटर्स चलते हैं, काम करते हैं, पर ये मैं देखती हूँ कि बीड़ी हुक्का ये ज़रूर करते हैं, ये बस आपको छोड़ना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। चिंता स्ट्रेस तो होता ही है, और जब आप काम करते हैं यू नो बाहर यू नो किसान में जाके वो फार्म्स में आप काम करते हैं, खेत में काम करते, तो ज़रूर पानी पीजिएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और जो जो है ना नमक की जो चीज़ मैं कहती हूँ, वो आम की सीज़न है, आम में बस इतना ज़्यादा नमक करके वो चूर्ण करके आप ले लेते अच्छा भी लगता है, तो ऐसे चीज़ ना करें, वो छोटे छोटे चीज़ अगर आप ध्यान रखें तो हो सकता है कि कई चीज़ से आप बच सकते हैं जी। अब हमारे सारे कॉलर जुड़े हैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी आप लाइन पे हैं? जी जी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ बस जीवन में ऐसे घटित होती है कि बार बार सिर दर्द होना, सिर दर्द के साथ आना, बिना किसी के कारण चलाना या घुटने आना, बोलने और सुनने में दिक्कत होना, या दौड़ने पड़ना, या शारीरिक या मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, या आंखों से सोचने कम होना, जैसे धुंधला दिखाई देना, बहुत सारे लक्षण की इन्होंने बात की और उसमें से कुछ लक्षण जो है मस्तिष्क की बीमारियों से संबंधित हैं, लेकिन ये जब अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो उसको हमें लगता है कि शायद इनको कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है,
बहुत सारे सिम्टम्स जो है खुद सोच सोच के गूगल्स में पढ़ पढ़ के या ऐसे हमें लगता है कि ये भी हो गया वो भी हो गया, लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स इनको दिक्कत कर रहा है या देखने में दिक्कत है और इनके दिनचर्या में दिक्कत आ रही है या चलने में दिक्कत आ रही है, फंक्शनल डिक्लाइन है इनको, पहले अगर 6 महीने पहले कोई काम कर सकते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, या सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि एक हाथ या और एक पैर जो है काम करना बंद कर दिया या सुन हो गया, पता नहीं लग रहा है आपको, दर्द नहीं हो रहा है, ठंडा गर्म पता नहीं लग रहा है, तब थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है और तब इन्हें अवश्य ही जल्दी से जल्दी जो है अपने डॉक्टर के पास और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि इनकी प्रॉपरली जांच कर सकें, एग्जामिनेशन है जैसे इनके एनालिसिस हम करते हैं, इनके जो लक्षण उन्होंने बताए हैं और फिर रेलेवेंट हम जांच करके इन्वेस्टिगेशंस करके फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका कारण क्या है और फिर हम उपचार करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लक्षण आपको आपकी फंक्शनल डिक्लाइन या आपको तंग कर रहे हैं या आपकी दिनचर्या में बाधक बन रहे हैं तब आप ज़रूर जाएँ। अगर वेग सिम्टम्स हैं, ये भी हो रहा है, वहाँ भी मसल में पेन है, यहाँ पे भी दर्द है, तब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि विटामिन्स की कमी हो सकता है स्ट्रेस में हो, तो ये हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम है जैसे प्रोफेसर पद्मा ने बताया, तो इनके लिए स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि अगर 50 साल की आपकी उम्र है तो आपको एनुअल चेकअप कराना चाहिए, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं जी, अपने शरीर की भी सर्विस कराएं और चेकअप कराएं ताकि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली पकड़ा जा सके और उसका इलाज भी किया जा सके। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनका हम सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पद्मा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम एक बहुत कॉमन चीज देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जिन जो लोग कोविड से ग्रसित हुए थे उनमें इस तरह की समस्या काफ़ी दिखाई दे रही है, भूल जाने वाली समस्या, और इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी हमने देखा कि शायद इसके आंकड़े बढ़ गए। आप इसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या ये आफ्टर इफेक्ट्स है कोविड के, इसे किस तरीके से हम मस्तिष्क के स्वास्थ्य से जोड़कर देखें? कोविड के बाद, ये बहुत अच्छी सवाल है, कोविड के बाद ये देखा गया कि एक चीज़ जो है कि हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चालू है, उसको हम लॉन्ग कोविड, उसके ये एक नाम भी दे दिया कि उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। और इस चीज़ में पहले था कि फेफड़ों में प्रॉब्लम है, सांस में तकलीफ है, खांसी हो जाती है, तो ये खांसी सांस फूलना वगैरह वगैरह तो कोविड वो चलता गया। पर उसके अलावा जो जो सिस्टम्स हमें लग नहीं रहा था कि पहले कोविड में होता भी है वो आ गई, तो इसमें जो है हमारा मस्तिष्क और नसों के जरिए ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग कोविड में जुड़ गए। इसमें सबसे प्रोमिनेंट है सिर दर्द, हालांकि हम सोचते हैं कि जिसको सिर है उसको दर्द तो होगा ही, पर ये सिर दर्द जो लगातार होते गए, जो चक्कर आना है, मेंटल फॉग या जो ब्रेन फॉग जो है, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो गया, चीज़ें भूलने लगे, जो पहले बहुत सारे चीज़ बहुत अच्छे कर रहे थे अब एक एक चीज़ जुड़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया, एफिशिएंसी घट गई है। तो ये वाला प्लस जो आपने बताया ब्रेन स्ट्रोक्स, नो ये ब्रेन स्ट्रोक्स की जैसे आंकड़े देखें तो वैसे ही बहुत बड़ा है, जैसे आपने कहा कि 6 सेकंड में दुनिया में है, पर हमारे भारत देश में हर 2 मिनट में एक स्ट्रोक देते हैं और हर 20 सेकंड्स में एक स्ट्रोक है, तो इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। सेट दैट ये देखा है कि जो यंग पीपल है 30 साल 40 साल 25 साल की उम्र में भी कोविड के बाद इन लोगों को ब्रेन अटैक हो रहा था, पर अभी हमने देखा है कि जैसे आंकड़े इतने ज़्यादा है वैसे भी, पर लॉन्ग कोविड में ये जो आर्टरी या डॉक्टर धमीजा ने बताया जो रक्त नलियां जो होते हैं वो उसमें ब्लॉक और जो खून जो वापस लाते हैं, जमने की भी समस्याएं हमने देखी है कि कोविड के दौरान तो कोविड में लगातार ये हुआ, प्लस मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो लॉन्ग कोविड की ये समस्या है। इसीलिए कोविड से बच के रहना, वैक्सीन जरूर लीजिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर
रखिएगा, बचाव अभी भी जरूरी है, बचाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक कॉलर है जसबीर सिंह है, जिन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया है। जसबीर जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताए क्या सवाल है। जसबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम जी, हमारे वाइफ है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा जी, बताएं फिर क्या हुआ आगे। हमारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर का ऑपरेशन हुआ है जी। जी सवाल पूरा कीजिए जसबीर जी, आप बताएं। उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर में चोट लग गई थी, तो उसकी सर्जरी हुई है सिर की। और उसके बाद, उस सर्जरी होने के बाद अभी 2 साल हो गए और उसको चक्कर आते रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी आवाज में तोतलापन सा आ जाता है 10-15 मिनट के लिए और बाद में सही हो जाता है जी। डॉक्टर पद्मा कुछ और पूछना चाहेंगे आप कोई और? तो ये अभी चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारा अपने आप काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है? ये चक्कर और बाकी सब ठीक है मैडम। हाँ तो बिल्कुल सही। और कोई दौरे की दवाई वगैरह तो नहीं चल रहा है? हाँ दौरे की दवाई चल रहा है मैडम। हाँ तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा कि दौरे की दवाई सही समय पे बिल्कुल उसको भूलना नहीं, क्योंकि पोस्ट ट्रोमैटिक मतलब हेड इंजरी स्पेशली सर्जरी के बाद दौरे की संभावना होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो बोली में बीच में तुतलापन आता है, समटाइम्स एक हो सकता है कि माइनर अटैक हो, चक्कर आना बहुत आम कंप्लेंट है, वो हो सकता है कि दवाई से हो सकता है कि जिस्म में पानी कम हो गया, या यू नो समटाइम्स पोस्ट ट्रोमैटिक, जैसे उसको पोस्ट ट्रोमैटिक कहते हैं, मतलब हेड इंजरी कब, सिर दर्द भी हो सकती है, गिडीनेस भी हो सकता है, वो एक आम चीज है। हालांकि अगर चक्कर आते गिर जा रहे हैं, उनके गिरने की संभावना हो रही है, दोबारा चोट होने की संभावना हो रहा है, उनको तो जरूर दिखाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। आम जो चक्कर आता है जैसे सडनली बैठ के एकदम से खड़े हो गया तो चक्कर आ गया, उसमें आप ज्यादा चिंता मत करिएगा, पर जरूर ये जो दवाई जो ले रहे हैं दौरे की, लेकिन वो इम्पोर्टेंट। डॉक्टर पद्मा, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि 2 साल का वक्त बीत गया, तो क्या इतना लंबा रिकवरी टाइम होता है क्या, मतलब ये सामान्य है? सामान्य है एक्चुअली। ये अच्छा है कि जो यू नो वो चल फिर रहे, बोल रहे, अपना फंक्शनलिटी ठीक है। सिर की चोट जो है दो चीजें हैं, कितना गहरा चोट है और दूसरी चीज है कितना जल्दी उसकी इलाज हो पाए। तो अगर छोटी चीज है, छोटा यू नो और वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 100% रिकवरी हो जाएगा। गहरा चोट है, खून दम गया और उनकी सर्जरी करना पड़ा कि खून को निकालना पड़ेगा, ये है, वो अगर डिले हो गया तो वो तो रिकवरी की ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है। पर अगर तुरंत सर्जरी हो गया, ठीक ठाक इलाज हो गया, तो ये लोग स्पेशली जो यंग लोग हैं, धीरे 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 काफी तक इम्प्रूवमेंट होती है। उनमें दवाई लेना और फिजियोथेरेपी वो बहुत जरूरी होती है, वो दोबारा अपना पैर में खड़ा हो सकते हैं। तो जो टाइम आप बता रहे हैं, समटाइम्स इतना देर लग सकता है। और डॉक्टर पद्मा ये भी बताएं कि ये जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो सर्जरी होती है, ये क्या काफी टाइम टेकिंग होती है या फिर केस टू केस डिपेंड करता है? केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ सर्जरीज जो है इमरजेंसी में तुरंत एक छोटा सा एक होल बना के निकाल दिया, 15 मिनट में ठीक हो गया। दूसरा होता है बड़ा सर्जरी, ओपन करके काफी कुछ ठीक, और आईसीयू में रखना पड़ता है, कई महीने समटाइम्स आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहते हैं। डिपेंड्स कि कितना गहरा चोट है और क्या क्या दूसरी जगह पे चोट लगी, क्या उनकी वाइटल्स है, तो केस टू केस डिपेंड, केस टू केस पे डिपेंड करता है। डॉक्टर धमीजा, मैं अगला सवाल हमारे लैपटॉप क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। प्रदीप वाजपेयी हैं कानपुर से, उनका सवाल है मेरे ब्रेन में थक्का है या कोई दिक्कत हो सकती है, क्या कोई दिक्कत हो सकती है, वो ये जानना चाह रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक पहचानने की कौन सी जांच कराएं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको एकदम अचानक से बोलने में दिक्कत आई है, या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या देखने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, एक हाथ या एक पैर जो है एकदम अचानक से काम करना बंद कर दिया है, या सुन हो गए हैं, या एकदम बहुत तेज चक्कर आए हैं, तो ये लक्षण हैं एक एक्यूट स्ट्रोक के, या हम जिसको लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। अगर ऐसा लगता है तो फिर आप जांच की चिंता मत करिए, आप फटाफट हॉस्पिटल पहुंचिए, अपना इलाज करवाइए। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की,
चाहे वो स्ट्रोक की हो, चाहे वो हेड इंजरी की हो, चाहे वो दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हो, तो प्रिवेंशन जो है, जैसे आपने अभी हेड इंजरी की बात की चर्चा की, आजकल के यंग लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं और बड़ा ख़तरनाक है ये, बिना हेलमेट के कभी भी आप मत निकलने दीजिए। हेड इंजरी जो है एक इतना सीवियर डिजीज़ हो सकती है जिसमें जान भी जा सकती है और पूरी ज़िंदगी आप डिसेबल भी हो सकते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने परिवार में हमेशा से ये ध्यान रखें कि अननेसेसरीली बिना हेलमेट के ड्रिंक और ड्राइविंग ये सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये ही तो आप वैसे भी आप मतलब ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ रहे हैं और साथ ही अपने साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन सामने जो सड़क पर और जो आपके साथ लोग हैं उनके भी जिंदगी के साथ आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। डॉक्टर तमीजा, मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूँगी कि जब इस तरह की अप्रिय कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए जैसे आपने बताया रोड एक्सीडेंट, उसमें कितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, क्योंकि हेड इंजरी कितनी गंभीर होती है ये बात मतलब सबको पता है। देखिए, हेड इंजरी तो फेटल हो सकती है, तो इसलिए इसमें कोई समय की कोई वो नहीं है। आपको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है, स्कैन करना है, देखना है कि ब्लीडिंग हुई है, फ्रैक्चर तो नहीं है, शरीर के किसी और हिस्से में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट है उसी समय। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कितनी देर वेट करें या नहीं करें। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपको हेड इंजरी के बाद आप उठ गए हैं और 24 घंटे तक ठीक रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको बेहोशी हो सकती है, उसके बाद अंदर खून इकट्ठा जमना हो सकता है, जो 24 घंटे बाद पता लगता है कि आप एकदम बेहोश हो गए। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी, एक शैलेंद्र कुमार हमारे दर्शक है, उनका हम कॉल है उससे पहले, लेकिन कई बार अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह की इंजरी होती है, पेशेंट मान लीजिए कुछ बहुत सीवियर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि आपको उल्टी तो नहीं आई, तो ये मतलब अगर उल्टी को इतनी किस तरह का संकेत इसे माना जाता है और हम अपने स्तर पर इसे कैसे समझें। बिल्कुल ठीक, देखिए हेड इंजरी सिर्फ एक बेहोशी नहीं है, आपके नाक से खून आ सकता है, आपके कान से खून आ सकता है, आपको बहुत तेज उल्टी हो सकती है, ये सारे लक्षण ये बताते हैं कि आपके दिमाग में या तो कहीं इंजरी इंटरनल इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा दबाव है कहीं पर जिस वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, या छोटा मोटा कहीं से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो हेड इंजरी अगर आपको हुई है तो हमेशा इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जरूर जाएं। अगर लगेगा डॉक्टर को कि इसका सीटी स्कैन कराना है तो वो सीटी स्कैन उसी समय कराएंगे और आपको कहेंगे कि जो अगर सब कुछ ठीक ठाक भी है तो कहेंगे कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहिए। अगर स्कैन नहीं हो पाया तो अगर आपको 24 घंटे बाद भी अगर आपको कहीं लगता है बेहोशी हो रही है या गफलत हो रही है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाएं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि जाँच कराएं, क्योंकि थोड़ा सा समय लग सकता है खून का इकट्ठा होने में और उसके लक्षण आने में। बिल्कुल, एक कॉलर है शैलेंद्र जी हैं जिन्होंने बिहार से में कॉल किया है। शैलेंद्र जी स्वागत है स्वास्थ्य के सामने, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, मुझे मिर्गी की शिकायत है 89 से, और मैं केके सिंह रांची केके सिंह से दिखाया था। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा करिए। जी सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे मिर्गी की शिकायत है 1989 से, और इपिलान दवा ले रहा हूँ लगातार आज तक, जब भी कभी एक आध दिन छूट जाता है तो मिर्गी दोबारा आ जाती है। ठीक है शैलेंद्र जी, हम बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप पूरी तरह से जल्द स्वस्थ हो। आयु क्या है? आयु हमारा अभी तो 69 साल है। तो लगभग 23-24 साल से इनको ये डॉक्टर पद्मा समस्या है और इसके साथ ये जी रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि जैसे ही अगर डोज मिस होती है तो रिलैप्स एक तरह का होता है। कैसे इस तरह की समस्या, मिर्गी की समस्या की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि मैडम मिर्गी को लेकर काफी भ्रम भी हमारे देश में। बिल्कुल, बट स्वस्थ जीवन बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिर्गी में ऐसा है कि 70% ऐसा है कि आप दवाई ले लिया, दवाई लेते हुए मिर्गी बिल्कुल कंट्रोल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन शैली बिल्कुल सही हो सकता है। एक ही चीज़ है कि आप सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें और दवाई बहुत नियमित में ले लें। और कई बार ऐसा होता है कि 3 साल तक कोई दौरे नहीं आया तो वो धीरे धीरे हम कम करके बंद कर सकते हैं। मिर्गी बहुत किस्म की है, तो कई ऐसे मिर्गी की बीमारी है जिसमें दवाई भी बंद हो जाती। तो इनमें ऐसा है कि इपिलान एक दवा है जिसमें 2 सॉल्ट जुड़ी है और ये बहुत सस्ता दवाई भी है, तो ये पुराने जमाने से चल रहा है। वो कहा कि तो ये
सम काइंड ऑफ अ ड्रग डिपेंडेंसी है, पर अगर ये गोली खा रहे और वैसे खूनी खाने से कोई दौरे नहीं पड़ता तो सब कुछ कर सकता है। तो प्रॉब्लम तभी आता है जब दवाई भी ले रहे सब कुछ कर रहे हैं फिर भी अगर मिर्गी पड़ रहा है और ब्रेन में ऐसे कोई चीज आए जिसको निकालना पड़ता है और एक इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी एक कुछ 20% की उसमें तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टेस्ट स्पेशलाइज्ड विभाग में जाना पड़ता है तो वो भी है पर उसके बारे में चिंता मत करना। तो ये जो इनका पूरा केस जो है तो आप ये कहते हैं कि इन्हें बस दवा अपनी रेगुलर लेनी चाहिए, लेना है जैसे डायबिटीज के लेते ब्लड प्रेशर का लेते ऐसे सोचेगा कि ये भी ले रहे। हालांकि एपिलान एक बहुत पुराना दवा है पर अगर काम कर रही है और बहुत सस्ती दवा है गांव-गांव में मिल जाती है वो भी इम्पोर्टेंट है ना मिलना नहीं तो दवाई मिस हो जाती। लेने से दवाई कंट्रोल है आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं चिंता मत करिएगा। एक कॉलर है आकांक्षा है जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से फोन लगाया है आइए बात करते हैं। आकांक्षा जी स्वागत है स्वस्थ किसान में बताइए क्या समस्या है। मैम आप सबको नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। मैम हमें ये पूछना है कि अगर किसी के शरीर में HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे तो क्या उसको थक्के जमने से होने वाले ब्रेन स्ट्रोक से बचाया जा सकता है क्या और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़े इसके लिए क्या चीज खाने पीने की नियमित तौर पे खाना चाहिए। बिल्कुल आकांक्षा जी बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये समझ आता है कि बहुत जागरूक है। क्या बताना चाहेंगे सर। देखिए HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं जबकि LDL VLDL और ट्राइग्लिसराइड जो दूसरे टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल नहीं मानते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल मानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये बता रहे हैं कि अगर इनका अच्छा है तो अच्छी बात है नहीं भी अच्छा है तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज इज द न्यू मेडिसिन नाउ वॉकिंग इज अ न्यू मेडिसिन हम ये बात बार बार कहते हैं और उससे क्या है कि कोलेस्ट्रॉल इनका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और भी दवाइयाँ आती हैं नायासिन है ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर लोग देख के प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसमें क्या करना है लेकिन अच्छी बात है कि अपने कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अपनी ब्रेन हेल्थ के बारे में ये जागरूक हैं कॉन्शियस हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कॉग्निटिव फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। सो हमारी जैसे हम फिजिकल फिटनेस रखते हैं चाहे आप साइकिलिंग करें बाइकिंग करें और अभी तो साइकिलिंग डे भी मनाया गया कल ही मनाया या आज ही मनाया शायद वर्ल्ड साइकिलिंग डे तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को कॉग्निटिवली फिट रखें कॉग्निटिव रिजर्व अपना बना के रखें ताकि आने वाले समय में जब आपकी उम्र बढ़े तो आपका जो है ब्रेन जो है वो हेल्दी रहे और फंक्शन जो है आपके अच्छे रहें। और योगा दिवस भी आने वाला है बिल्कुल 21 जून को योगा दिवस है प्राणायाम करें योगा करें तो ये सब चीज़ें आपकी इनर पीस के लिए अच्छी मानी जाती हैं और आपकी जनरल वेलबींग और आपके जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उससे प्रिवेंट करके जनरल वेलबींग अच्छी करती हैं। बिल्कुल और देखिए जो दिमाग होता है वो आपके शरीर का इंजन है और इंजन गर्म नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए बहुत जरूरी है और इसलिए हम कहते हैं जब कोई गुस्से में होता है स्ट्रेस में होता है कि दिमाग ठंडा रखिए दिमाग ठंडा रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे कहीं बचाइएगा। खुशहाल होंगे खेत पशु रहेंगे स्वस्थ सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डॉक्टर धमीजा अगला सवाल भी मिर्गी को लेके है। अगर हम बेहोशी की स्थिति की बात करें ब्रेन स्ट्रोक और मिर्गी के दौरे में क्या फर्क होता है। देखिए हमारे देश में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो मिर्गी के शिकार हैं और मिर्गी के बहुत सारे कारण हैं जैसे प्रोफेसर पद्मा ने बताया और ये आज हम जैसे ब्रेन ट्यूमर्स की भी बात कर रहे हैं। अगर किसी को अधेड़ अवस्था में पहली बार कोई अगर दौरा पड़ता है तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है हालाँकि बहुत कम
परसेंटेज में होता है, लेकिन एक ये इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है कि अगर आपको सडनली 45 साल में या 50 साल में या 60 साल में दौरा आ गया तो जरूर जांच करवाएं कि कहीं अंडरलाइन कोई रसोली तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, तो वो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, चाहे वो किसी टाइप का हो, चाहे वो सीरियस हो या नॉन सीरियस हो। तो ये दौरे जो हैं अलग अलग उम्र में अलग अलग टाइप के आते हैं और उनका इलाज भी अलग अलग तरीके से है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक एक अलग बीमारी है जो जैसे मैंने कहा ब्लॉक से या ब्लीड से होता है, या तो आपकी धमनी में धक्का जो है जम गया है या फिर आपके ब्लीडिंग हो गई है या रप्चर कर गई है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मिर्गी जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो हेड इंजरी में भी हो सकती है जैसे जिसकी हमने चर्चा की, ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस हैं उसमें भी हो सकती है, टीबी में भी हो सकती है, अगर दिमाग की टीबी, स्ट्रोक में भी हो सकती है, पोस्ट स्ट्रोक में तो 10% लोगों में स्ट्रोक के बाद होती है, और हमने ये देखा कि कुछ लोगों में अर्ली पीरियड में होती है, कुछ में लेट पीरियड में होती है, कुछ में फोकल है या हल्की है, कुछ में पूरी जनरलाइज है। सो ये बहुत बड़ा मिर्गी का एक बहुत बड़ा दायरा है, और जैसे डॉक्टर पद्मा बता रही हैं कि हमारे अपनी स्टडीज में देखा है कि 9-10% लोगों में जिनको स्ट्रोक हो चुका है उनमें दौरे पड़ते हैं और दौरों की संभावना रहती है। इसीलिए आपने कहा भी कि दौरों की जो दवा, हमारे जो दर्शक थे अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे कि आप दौरों की जो दवा है उसे ना बंद करें। और एक कॉलर है, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। हेलो उदय जी, हमारे साथ कर्नाटक से। हेलो उदय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो उदय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बताइए क्या सवाल है? मेरे सर में जी बीपी। सर में आपके दर्द रहता है? आवाज आती है, साउंड आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ सर में चल रही आवाज? ठीक है डॉक्टर, मुझे क्या बताना चाहिए? देखिए ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम जो है, जो उसमें टिक 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 की आवाज़ आती है, इसके कई कारण हो सकते हैं और कुछ कारण नहीं भी होते हैं, नॉर्मल भी बेनाइन भी लोगों में हो सकती है। तो ये अपनी जांच करवाएं और अगर कोई कारण मिलता है तो उसका इलाज करवाएं। ये अभी इन्होंने कुछ सिर दर्द की भी बात की, तो जो सिर में दर्द की जो समस्या है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकता है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर का ही क्यों ना हो। अगर बहुत तेज सडनली आपको पहली बार दर्द हुआ है, रिसेंटली दर्द हुआ है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी दर्द है जो आपको रात को नींद से उठाता है, वो हमेशा सीरियस दर्द होता है, उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। और वो सिर का दर्द हो, चाहे वो बैक का दर्द हो आपको, चाहे वो नेक का दर्द हो, अगर आपको इतना दर्द हुआ है कि रात को आपको उठा नींद से जाग के आपको गोली खानी पड़ी या नींद से जगा दिया आपको, तो वो दर्द जो है वो सीरियस नहीं है, सामान्य नहीं है, बिल्कुल वो सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कि आपने सर दर्द की बात की, और डॉक्टर पद्मा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सर दर्द, इसे मतलब बहुत ही लाइट वे में इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो आम बात है, और माइग्रेन तो अब इतनी कॉमनली यूज होने वाला एक कह सकते हैं कि समस्या है। माइग्रेन कितनी गंभीर हो सकती है, और क्या ये जो माइग्रेन का जो दर्द है, क्या ये किसी बड़े खतरे की ओर संकेत करता है? जैसे पहले कहा था कि मुझे लगता है कि जिनको भी सिर है वो तो दर्द कभी ना कभी जिंदगी में होता है, तो कई लोगों को बिल्कुल मौसम के बदलाव से भी, बहुत गर्मी है तो सर दर्द, बहुत ठंडक है तो सर दर्द, तो ये क्या होता है? सो वो ट्रिगर्स है। तो हम अगर हेडेक की बात करें तो कॉमन है, जैसे होता है प्राइमरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक की मतलब आप अगर उनकी कोई जांच वगैरह कराए तो कुछ निकलेगा नहीं, ऐसे नहीं कि ट्यूमर है, क्लॉट है, टीबी हो गया, कुछ और हो गया। दूसरा है जो सेकेंडरी हेडेक्स, मतलब यही जैसे डॉक्टर धमीजे ने कहा, ब्रेन ट्यूमर है, क्लॉट हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वायरल एनसेफलाइटिस हो, कोविड हो गया है, कुछ भी हो, तो वो जो कारण से हेडेक हो रहा है, तो बिना कारण जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो बहुत कॉमन है। माइग्रेन तो ऑलमोस्ट आप देखे गया 20% जो परिषद है लोगों को है, 1 in 5 इतनी कॉमन है। तो आपने कहा जो ट्रिगर है, जैसे धूप में चले गए, तो खाना नहीं खाए, कुछ गलत खा लिया, गैस बन गया, टेंशन है, को नींद नहीं आया, ज्यादा सो गया, तो बहुत सारे जो सफर कर दिया तो इस तरह के जो है माइग्रेन वो कॉमन माइग्रेन है, वो एक तरफ दूसरी तरफ दोनों तरफ उल्टिया हो गया, किसी से बात मानने को मन नहीं करता, पर ये भी जो है बहुत सारा फंक्शनल डेफिसिट करती है, बार बार हो रहा है, ट्रिगर को कंट्रोल करने नहीं हो रहा है, जो आम दवाई दे सकते हैं। आप ये कहना चाह रही शायद जो कारण है उसको अवॉइड करें जिससे बढ़ता है, बट कारण अवॉइड, जैसे अब हमारा देश ही ऐसे कि धूप में कहां से हम बच सकते हैं, तो तब अगर बार बार हो तो उसके लिए भी दवाई है, वो हम देखते हैं।
पर जो आप खतरे की बात जो कह रहे हैं ना, वो डॉक्टर धमेजा ने आपको बोला कि जैसे जिंदगी में कभी उतनी तेज दर्द नहीं हुआ, एकदम से दर्द हो गया जैसे सर फट रहा है और बेहोश हो गया, दौरे पड़ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो वो आपातकालीन स्थिति है। उसके अलावा दर्द के साथ कुछ जैसे दौरे हुआ, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रहा है, एक तरफ लकवा हो रहा है, कुछ भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हुआ आपको, वो तो इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। तीसरा है जो नींद से आपको उठा देती है, जो भी दर्द नींद से उठा रहे, और पहले कभी नहीं थी, अब आजकल तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगातार दर्द हो रहा है। प्लीज इन्वेस्टिगेट दोस थिंग्स। बिल्कुल, इन सब अगर उल्टियां हो रही, बार बार उल्टी हो रही है, तो ये सारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका नाम है राजकुमार सिंह, उत्तर प्रदेश से। राजकुमार जी, आप लाइन पे हैं? हाँ जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे मिसेज को जो है दो बार चक्कर आ चुके हैं, तब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, उल्टी होने लगती है, और उनको लगता है कि पूरा घर अब घूम रहा है। अच्छा, क्या आयु है? दो बार हो चुकी है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है। आयु क्या है? आयु करीब जो है नियर अबाउट 50 है। ठीक है, डॉक्टर धमीजा आप क्या बताना चाहेंगे? और उनको पूरा चक्कर आने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उल्टियां होने लगती है, ये दो बार हो चुका। जी जी जी, देखिए 50 से 60 साल की उम्र में अगर किसी को पहली बार चक्कर आते हैं तो हम उसको सीरियसली ले सकते हैं कि स्ट्रोक ना हो कभी, अगर खासकर साथ में इनको दूसरे जोखिम कारक हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो। पहली बात तो ये कि इसको थोड़ा सा गंभीर अवस्था में लेना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये डिपेंड करता है कि आपको ये कितने ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, अगर कुछ सेकंड्स के लिए हैं, करवट बदलने से हो रहे हैं, हेड की मूवमेंट से हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके कान में कहीं वो छोटी छोटी पथरी की वजह से वो डिस्प्लेस हो गई हैं, उस वजह से तो नहीं है। तो ENT चेकअप भी कराना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराना। तो कारण जो है चक्कर आने के, अगर आपका सडनली ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपने दवाई ज़्यादा खाई है या नमक की वजह से या पानी कम पिया है, आप सो के एकदम उठे हैं तब चक्कर आया आपको, तो उसका अलग कारण है। अगर आपको कान की वजह से आया तो वन मैंने जैसे बताया है, या आपको दूसरे चक्कर कारण से चक्कर आया है, तो जांच करवानी चाहिए, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए इनको, अच्छे फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ये जाँच करवाएँ और अपना इलाज करवाएँ। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर साहब ने कुछ जिसे कहते हैं ना एकदम टू द पॉइंट बातें बताएं कि सोते हुए अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है और वो आपकी नींद तोड़ देती है तो ये एक अलार्म है, और कोई चीज़ अचानक अगर आपके साथ होती है, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। बिल्कुल, ये रेड फ्लैग्स जिन्हें हम कहते हैं कि वार्निंग साइंस हैं, बहुत बड़े संकेत हैं जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आदित्य आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, कई बार होता ये है कि बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि आधे लोगों को साल भर बाद पता लगता है कि उनको ब्रेन ट्यूमर की समस्या है, पता ही नहीं चल पाता, एक साइलेंट इनका जो प्रोसेस रहता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहें? देखिए, अगर आपको रिसेंट हेडेक है या सिर में दर्द हुआ है, कुछ महीनों से हुआ है या कुछ समय कुछ दिनों से हुआ है, या आपको एक दौरों की समस्या एकदम सडनली मिडिल एज में आ गई है, या आपको कोई एकदम सडनली एक साइड का चलना बंद हो गया है, तो ये सब संकेत जो हैं ये कहते हैं कि आप अपनी जांच करवाएं। ये सभी समस्याएं जरूरी नहीं कि ब्रेन ट्यूमर हों, लेकिन अगर 1% या 2% लोगों में अगर ये दौरों की समस्या या हेडेक की समस्या से ब्रेन की इमेजिंग के बाद अगर आपको निकलती है रसूली निकलती है, तो उन 2% लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी जांच करें। तो पता होना चाहिए आपको कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, किस अवस्था में आपको सीटी स्कैन या MRI की जरूरत है, जिससे आपको ये पता लगे कि आप में ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो पूरी बातचीत निकल कर आए उसका जो मुझे जिस्ट समझ आया, जो निचोड़ है, वो ये कि एक तो आपको अगर दिल की समस्या है, आपको इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर ये आप को इस बीमारी की तरफ धकेल सकते हैं, मतलब इन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जिन्हें ये ऑलरेडी ये समस्याएं हैं। देखिए, ये सारी लाइफस्टाइल जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, ये केवल मस्तिष्क के नहीं, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं आपको, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, अगर आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल हमारे यहाँ किडनी की बहुत प्रॉब्लम है, उसका एक कारण यही है, शुगर है और ब्लड प्रेशर है। तो ये सामान्यतः हम ये कहते हैं कि आप अपनी स्वास्थ्य की चिंता खुद करिए, अपनी जांच करवाते रहिए, चाहे वो प्रिवेंटिव चेकअप हो, ताकि अगर कोई बीमारी है तो उसको टाइमली जो है पकड़ा जा सके। एक सवाल, एक बहुत बहुत छोटा सा सवाल, बहुत जल्दी से हम इसका जवाब भी चाहेंगे क्योंकि समय पूरा हो रहा है, कि मान लीजिए ऐसा ये हमें पता चल गया कि भाई ये स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है, तुरंत हम क्या करें? डॉक्टर के पास तो जाएंगे, लेकिन अपने स्तर पर हम उस समय क्या करें?
जो हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए। और जी देखिए, टाइम नहीं लेना है आपको, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बड़े हॉस्पिटल में जाना है। अगर आप समय से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आजकल क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स आती हैं जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो जरूरी हम दे सकते हैं, और उसके बाद अगले 24 घंटे में भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। ब्लड थिनर्स जो है आप घर में रखिए, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो नहीं, खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको अब ये जो 6 साइंस आपको बताए हैं कि अगर बैलेंस की प्रॉब्लम है, या दिखना बंद हो गया है, या आपका मुंह टेढ़ा हो गया है, या बोलने में दिक्कत आ रही है, हाथ या पैर कमजोर हो गए हैं, तो ये सब साइंस आपके वार्निंग साइंस हैं, ये बताते हैं कि आप एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल जाइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, स्टूडियो में आए, पद्मा डॉक्टर धमीजा आपका, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यही रेड फ्लैग्स जो हैं आप सही समय पर पहचानेंगे तो आपकी ज़िंदगी बचेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए। कोलकाता से कविता सिन्हा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। भोपाल से नीरज शर्मा ने लिखा है कि उनकी माँ लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज है और क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जाता है, तो मुझे लगता है इस सवाल के तो उन्हें काफ़ी सारे जवाब आज मिल गए होंगे। वहीं कानपुर से सरला वर्मा है, वो कहती हैं कि उनकी माँ को अक्सर ये समस्या हो जाती है, कोई भी दवा लेती है तो उनके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपके सभी समस्याओं के जवाब लेने के लिए इन प्रश्नों को रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है स्वस्थ किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। तो आपके पत्र, आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा, जरूर अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार। नमस्कार।